रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जितनी अच्छी रिपोर्ट राइटिंग होगी उतना ही अच्छी आपकी रिसर्च की मार्किट uh, होगी uh, वैसे तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्वान्टिटेटिव रिसर्च में भी रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट और बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेशली रिपोर्ट राइटिंग कि आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग हो आ, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द होल रिसर्च वो क्या है और ये क्यों ज़रूरी है जनरली जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको ज़रूरत होती है कि आ, वो आ, एक मैन स्क्रिप्ट तैयार करें या थीसेस लिखने के लिए या आ, उन्होंने अगर कोई बुक लिखनी है या जो भी किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक पे बेहतर है मैं यहाँ ग्रेजुएट्स को सेंसटाइज करता जाऊँ कि तीन चार इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिसर्च में जहाँ आपकी कॉन्सप्चल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में और आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सोशोलॉजी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए नंबर टू आपकी थोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के बारे में नंबर थ्री के आपकी रिसर्च में क्लैरिटी होनी चाहिए अगर ये तीन स्किल सेट हैं आपके पास तो चौथा द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन सबसे बड़ा दैट इज द रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है आ, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है यू कैन अर्न अलर्ट ऑफ मनी इवन आम, अगर आपकी किस्मत में और अल्लाह ताला ने लिखा है दो तो जनरली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये स्किल सेट नहीं आता मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करता हूँ और इसके साथ अटैचड है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग ये तीन चार स्किल्स आ जाएं तो ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे आपको कोई फिश पकड़ना सिखा दे यानी जैसे कि कोई शिकार करना आपको सिखा दे तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फुल तवज्जो के साथ इसके कॉम्पोनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि अगर आप एज ए रिसर्चर काम कर रहे हैं तो इस प्रोसेस से गुजरना बड़ा ज़रूरी है और अगर आपने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग आपके रिजल्ट्स हैं अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती अगर आपको उसको प्रॉपरली लिखना नहीं आता तो ऐसे ही है कि जैसा सोना तो आपके हाथ में है लेकिन आप मार्केट नहीं कर सकते आप बेच नहीं सकते क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है तो रिसर्च की जो सबसे बड़ी स्किल है वो रिपोर्ट राइटिंग है और रिसर्च प्रपोजल राइटिंग दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन मैं यहाँ आपको रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग और ख़ास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग सिखाने की कोशिश करता हूँ ये आपने कोई अगर रिसर्च आर्टिकल लिखना है कोई मैनूस्क्रिप्ट लिखना है थीसेस लिखना है या डेजटेशन एम फिल के थीसेस को डेजटेशन कहा जाता है कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना है या गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या इवन आपने कोई सेमिनार करवाया उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है तो उन सब के लिए ये बेसिक टिप्स हैं जो आपके दिलो दमाग में होनी चाहिए और हर वक्त आपके एज ए रिसर्चर जहन में होनी चाहिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एक सिस्टमेटिक आर्डर है इसके दरम्यान में एक लॉजिकल फ्लो है ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ है या लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज़ है आ, और ये आपके लिए एक किस्म की हेल्पफुल है कि आपने आ, रिसर्च को डॉक्यूमेंट कैसे करना है मेमो राइटिंग भी हो सकती है मेमो भी इसी से रिलेटेड मिलता है, जुलता है लेकिन वो हैपेजली भी आप कुछ भी लिख लेंगे तो नो प्रॉब्लम रिसर्च राइटिंग या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग इज़ आ सिस्टमेटिक वे जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से रिसर्च जर्नल मुझे भेजते हैं कि आपके फील्ड के फ़ला फ़लां लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ये आर्टिकल सबमिट करवाया आप इसकी ईवाल्यशन कर दें तो या आप कल को रिसर्चर होंगे आपको इसी तरह के आर्टिकल्स आएँगे तो आपने ईलुएशन करनी है तो उसके लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या हैं किन पैरामीटर्स के ऊपर आपने उसको करना है या जब हम इवालेशन करते हैं कि हम कहते हैं कि रिसर्च एक साइंस है तो साइंस कोई ऐसी हवाई खलाई मखलूक का नाम नहीं है साइंस बेसिकली एक सिस्टम का नाम है और उसकी रिफ्लेक्शन रिसर्च रिपोर्ट में होती है या रिसर्च आर्टिकल्स में इसका मतलब ये कि एक लॉजिकल ऑर्डर की अरेंजमेंट्स को ही साइंस कहते हैं और उसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग जो है वो इंटीग्रल पार्ट है अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती तो उसका मतलब आपको रिटर्न uh, कम्युनिकेशन नहीं आती और अगर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आती तो आपको कहीं पे भी अच्छी जॉब मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन या बहुत मुश्किल है आपने कोई काम भी करना है आई मीन रिसर्च से रिलेटेड तो ये स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है इसमें एनालिटिक्स जितनी स्ट्रांग होगी थेटिकल एनालिटिक्स एम्पेरिकल एनालिटिक्स रिजल्ट्स एनालिटिक्स जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपके काम की वैलिडिटी रिलायबिलिटी बढ़ेगी और आपकी रिसर्च आउटपुट लोगों तक पहुंचेगा नेशनल मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में और उसकी बेस के ऊपर आपकी इंडेक्सिंग होगी एज ए गुड रिसर्चर या बैड रिसर्चर आपकी आ, आपको ऑफकोर्स डिग्री मिलेगी क्योंकि बहुत सारी आ, हम सोशोलॉजी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हम उस वक्त तक डिग्री नहीं देते जब तक कि किसी स्टूडेंट्स ने हमें थीसेज लिख के नहीं देता और ख़ास तौर पे एम फिल स्टूडेंट्स को रिसर्च के बगैर और उसमें भी रिपोर्ट राइटिंग या थीसेज या डेजर्टेशन राइटिंग के बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि डिग्री अवार्ड हो सो दिस इज़ फंडामेंटल नीड टू राइट अ रियली गुड रिसर्च रिपोर्ट मैं आपको इसके जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं हर कॉम्पोनेंट में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किस तरह से लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए रिव्यू uh, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी uh, कैसे हमें चाहिए ये सारा कुछ आपको बताऊंगा और फिर रिजल्ट्स में क्या होना चाहिए सिर्फ नरेशन हमें नहीं चाहिए एनालिटिक्स चाहिए डिस्कशन आपने कैसे लिखनी है कंक्लूजन कैसे लिखना है तो मैं ये आपको कंप्लीटली इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आई आई होप सो यू विल लर्न अलॉट